और मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है बाल वाटिका दाखिलों से। देश भर के 450 केंद्रीय विद्यालयों में हो रहे बाल वाटिका 3 के दाखिलों से। लेकिन उससे पहले आप सभी से करना चाहूँगी अपील। आपका पसंदीदा सबकी शिक्षा बन चुका है सबकी शिक्षा फाउंडेशन और हमें ज़रूरत है आपके डोनेशन की। अगर आपको लगता है हमारे द्वारा बच्चों का दाखिला देश भर के विद्यालय में हो रहा है, बच्चे विद्यालय पहुंच रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भविष्य बेहतर हो रहे हैं, तो हमें जी भर कर दान कीजिए। 2000, 1000, 500, 200, 100 कोई भी धनराशि आप हमें दीजिए। आपको यह मेरा वायदा है कि आपके द्वारा दी जा रही एक एक पाई का इस्तेमाल बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। साथ ही आप सभी को कहना चाहूंगी कि स्क्रीन पर आ रहे QR कोड की मदद से आप हमें मनी पैसा डोनेट कर सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर बैंक डिटेल्स भी आ रही हैं और UPI ID भी आ रहा है, आप इसके इस्तेमाल करके भी हमें डोनेशन दे सकते हैं। और अब समय आ गया है आपको वह जानकारी देने का जो बाल वाटिका दाखिलों से संबंधित है। आज बाल वाटिका 3 का रिजल्ट निकल रहा है। जी हाँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको यह जानकारी दे रही हूँ कि बाल वाटिका 3 का आज रिजल्ट निकल रहा है और देश भर के 450 केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 3 में दाखिले होंगे। और कैसे रिजल्ट आप देखेंगे, कैसे आप पता करेंगे रिजल्ट के बारे में, यह सारी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आज रिजल्ट निकल जाएगा, आज वेटिंग लिस्ट भी निकल जाएगी, उसके बाद कल से दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। बच्चे दिन में 3 घंटे केंद्रीय विद्यालय में रहेंगे, पढ़ाई करेंगे, उनकी कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होगी, खेल कूद मजे करके केंद्रीय विद्यालय से घर पहुंचा करेंगे, टीचर्स भी पढ़ी लिखी होंगी और बहुत ही आधुनिकतम तरीकों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जो आजकल नई दुनिया में पढ़ाई लिखाई के नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, वह सारे तरीके केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वादा किया है कि वह बाल वाटिका 3 के बच्चों पर वह सारे तरीकों के माध्यम से पढ़ाई करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि यह 450 केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे दाखिला प्राप्त करें, वह बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी शैक्षिक ज़िंदगी का, अपनी पढ़ाई की ज़िंदगी का शुभारम्भ करें। साथ ही उसके बाद यह बच्चे अपने आप बाल वाटिका 3 से कक्षा पहली में पहुंच जाएंगे। कक्षा पहली में पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार से आपको दोबारा दाखिला नहीं करवाना होगा। अब मैं आपके लिए थोड़ी ही देर में एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि बाल वाटिका 3 का आप रिजल्ट कैसे पता कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।